दर्शकों नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। पंचायत समिति सदस्य ने की छात्रों की पिटाई, मामला दर्ज। महिला टीचर द्वारा पढ़ाया जा रहा विषय समझ में नहीं आता, यही बात पाठशाला के वरिष्ठ शिक्षक को बताने पर गुस्साए पंचायत समिति सदस्य ने प्राध्यापक के ऑफिस में छात्रों को बुलाकर बहरेमी से पिटाई करने की घटना घड़ी है। पंचायत समिति लाखानदुर के तहत पीपल गाँव कोहली के जिला परिषद वरिष्ठ प्राथमिक पाठशाला में हाल ही में सयाम नामक टेम्पररी टीचर की नियुक्ति की गई है। बताते हैं कि सयाम टीचर द्वारा पढ़ाए जा रहे हिंदी विषय छात्रों को समझ से परे है। यह बात वैभव परशुराम नामक बच्चे ने स्कूल के एक टीचर को बताया। यह बात महिला टीचर सयाम को अच्छी नहीं लगने से उन्हें घर जाकर उनके रिश्तेदार टीकाराम मड़ावी को बताया तो बौखलाए पंचायत समिति सदस्य मड़ावी पाठशाला में आकर उनके तीन बच्चों को मुख्य अध्यापक के ऑफिस में बुलाया और बहरेमी से पिटाई की, साथ में अश्लील गालियां भी दी। मुख्य अध्यापक सौ मेश्राम ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो पंचायत समिति सदस्य टीकाराम मड़ावी ने सौ मेश्राम को भी डांट कर चुप कराया। बताया गया कि इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन लाखानदूर में करने से पुलिस ने टीकाराम मड़ावी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। स्कूल में जाकर बच्चों की पिटाई करने की बात जब गांव में फैली तो बड़ा रोष व्यक्त किया जा रहा है। आइए देखते हैं हमारे भंडारा ब्यूरो चीफ निषाद लांजेवार की खास खबर। आप अपना नाम बताइए और आपके साथ में क्या घटना घटी? माझे नाव वैभव यादव परशुराम गराय। आम्ही हिंदी शिकवणाऱ्या टीचर ची कंप्लेंट केली सरांजवळ आणि त्या मॅडमनी घरी जाऊन सांगितले टीकाराम मडावी जवळ। मग सरनेम काय आहे मॅडम? का सर भविता सय्याम। सय्याम त्यांनी बोलवले टीकाराम मडावींना। दुसऱ्या दिवशी शिव्या गाडी देऊ लागला आणि बेदम मारमारी केली। बहुत मारा? हाँ। गाली गलौज भी किया? हाँ। क्या बोला? सल्याम आदर सुधा तुझी औकात का है? तुझ्या बापाची शाळा होगा कोळेजी होगा असं तसं म्हणू लागला। फिर आपने इसके बारे में किसी को बताया शिकायत की? हो, आई घरी जाऊन आपल्या आई वडिलांना सांगितलं। बेटा अपना नाम बताओ। मेरा नाम क्या घटना घटी? मेरा नाम सुब्रत छगन परशुराम कर है। मेरे को ऑफिस में बुलाया गया और मेरे को खूब बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी और तेरे बाप की स्कूल है माधर चौद ऐसे ऐसे साले ऐसे वगैरह गालियाँ दी। किसने दी गाली? टीकाराम मड़ावी। इसको आप जानते हो पहचान तो कौन है? ये पंचायत समिति का ये सदस्य है। इन्होंने आके आपको गाली दी? यस। और मारा भी? मारा नहीं। अच्छा, सिर्फ गाली गलौज की? गाली गलौज की। इसके बारे में आपने कोई शिकायत की है, कंप्लेंट की है? हाँ, पापा से पापा को बताया, मम्मी को बताया, अगली दिन मम्मी वगैरह स्कूल में आई। मैडम मुझे बताइए कि आपके स्कूल में ये बच्चों को एक पंचायत समिति सदस्य द्वारा मारा गया, गाली गलौज भी की गई और मारा भी गया, ये घटना आपके सामने घटी है? अच्छा, और इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में क्या लगता है, ये मारना उचित लगा आपको? नहीं। तो आप एक प्रधानाध्यापक होने के नाते आपने क्या मतलब इसके बारे में कार्रवाई की? विद्यार्थ्याला म्हणजे गाली देत असताना मी म्हटलं हे बरोबर नाही। मी या शाळेत, त्यांनी बोलले की मी सदस्य आहे, तेव्हा मी म्हटलं की मी मुख्याध्यापिका आहे आणि माझे कर्तव्य आहे, माझ्यावरच जबाबदारी आहे। तरी एकदम म्हणजे रोसारोसात जाऊन त्या मुलाजवळ गेला आणि त्याला मारत असता मी पटकन त्यांच्याकडे गेली त्या मुलाकडे आणि मी म्हटलं मारायचं नाही। मी आडवी झाली त्या मुलाला, तरी त्या म्हणजे त्यांनी मारलं त्या। बचाव कर रहे थे फिर भी? अच्छा, हो हो हो। इसके बाद में कुछ आपके स्टाफ के कुछ टीचर्स वगैरह बीच में कोई आए? टीचर ने भी बताया उसको और तुम मानता भी नहीं ना, झगड़ा करा था तो गाली गलौज। हाँ हाँ। अब महिला होने के मारे नाते मतलब फिर भी मतलब वो गाली गलौज कर रहे थे? गाली 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 सब। और इसके बारे में आपने शिकायत की? हाँ। पुलिस स्टेशन की? नहीं,
माझे केंद्र प्रमुख आहेत त्यांना मी फोन लावला, परंतु तो सायलेंटर असल्यानंतर ते प्रशिक्षणामध्ये होते त्याच्यामुळे त्यांनी तो उचलला नाही. अध्यक्षांना मी फोन लावला पण यांना फोन लागला नाही. त्याच्यानंतर काय करायचं मी ते समोरची कारवाई करणार होती, परंतु आता त्यांनाही म्हणजे त्यांनी फोन नाही उचलला आणि यांना फोन नाही लागला. पोलीस कंप्लेंट नाही हुई आज हुई आज हुई है आज हुई. आपका नाम बताइए और आपका लड़का यहाँ पर पढ़ता है. मेरा नाम यादवराव राजी परशुराम कर है. मेरा लड़का या दो लड़के, एक पाँचवीं क्लास में पढ़ता है और ये सातवीं क्लास में. वैभव यादवराव परशुराम. अच्छा, क्या घटना हुई? ये मैं दिन भर खेत में था, जब शाम को घर आया तब लड़का रोते हुए घर आया था. उसने बताया क्या ऐसा ऐसे हुआ करके, क्या टीकारा मड़ा हुए आया तो स्कूल में ऑफिस में बुलाया और गाली दी और दो चार थप्पड़ लगाया, ये बताया और फिर चुप हो गया. फिर मैं रिपोर्ट देने पुलिस स्टेशन गया, रिपोर्ट दर्ज की. आपने रिपोर्ट दी? हाँ, गांव के सब ये पुलिस पटेल हो गए, सबको बुला के हम लाखांदूर जाके पुलिस थाने रिपोर्ट दे गए. आप स्कूल कमेटी के अध्यक्ष हो? हाँ. क्या नाम है आपका? सुनील मारुति परशुरामकर. परशुरामकर जी, मुझे बताइए कि आपके स्कूल में जब आप अध्यक्ष रहते हुए इतनी बड़ी घटना घटी है, हाँ, क्या लगता है ये घटना उचित है? नहीं ना. अब इसके बारे में क्या करेंगे आप? अभी हमने पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट दर्ज की है और कल उसके साथ गए यादव के साथ, और कल भी हमने पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट दे दी है. हाँ, कल और आज भी गए. इसको कठोर से कठोर कार्रवाई होने को होना. जनता मुक्ति के अध्यक्ष हो आप, या आपके स्कूल में इतना बड़ा मतलब ये वाद विवाद चालू हो गया, या बच्चों को मारना, एक स्कूल के बच्चे के बाहर के आदमी ने आके मारना, या कहाँ तक आपको सही लगता है? वो कल की बात थी जब मारपीट हो गई स्कूल में, जब पढ़ते हुए बच्चे को जब पंचायत समिति सदस्य टीकाराम जी मड़ावी इसने मारा, ऐसा सवेरे मेरे को मालूम होने के बाद मेरे को उप सरपंच ने फ़ोन किया और मैं स्कूल में आया और चौकसी किया तो हेडमास्टर बेशराम मैडम इनको पूछा मैंने, तो इसने सही सही बताया. मैंने बोला जब उसके पिताजी जब रिपोर्ट दे सकते हैं पुलिस स्टेशन में, तो आपने रिपोर्ट देने को होना, क्या मेरे स्कूल में आकर पंचायत समिति सदस्य ने मेरे पढ़ते हुए लड़के को मारा, तो इसीलिए मैंने उसको मार्गदर्शन किया. और जो शिक्षक थे अपने केंद्र प्राथमिक क्षेत्र में, तो उसको भी बताया, तो फिर मैडम ने रिपोर्ट लिखवाई और मेरे साथ में पुलिस स्टेशन आकर थानेदार को मिलकर मैंने वो रिपोर्ट दर्ज किया है. वो का सवाल है. आप अपना नाम बताइए. मेरा नाम, हमें पता चला कि आप घटना के समय पर यहाँ पर उपस्थित थे. हाँ, आप प्रत्यक्षदर्शी हो. क्या घटना घटी थी? घटना घटी थी, मैं स्कूल में कुछ काम के लिए आया था, तो जब भी वो टीकारा मड़ावी नाम कह करके सदस्य पंचायत समिति का वो स्कूल में आया. स्कूल में आने के बाद में मैं भी बैठा था, वो भी बैठा था, और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये करते वो करते. पहले टीचर लोगों के ऊपर भिड़ा, फिर वो बोला स्टूडेंट को बुला, वो कौन स्टूडेंट है, तो फिर उन्होंने जाकर स्टूडेंट को बुला के लेके आया, दो स्टूडेंट को, और एक स्टूडेंट आने के बाद में उसको ज़ोर से दो चार थप्पड़ मार दिया, वो स्टूडेंट नीचे गिरा. फिर मैं भी उठी, मैडम भी उठी, सर भी उठे. फिर वो जाने के बाद मैंने बताया उनको, ये तुम्हारा यह बराबर नहीं, आप तो एक लोक प्रतिनिधि हो, ये बराबर नहीं तुम्हारा. क्या बोले फिर? क्या बोलेंगे वो आदमी निष्ठुर है ना, वो क्या बोल सकता है, वो कुरुत्ति का आदमी है. क्या लगता है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए? उसके ऊपर तो कार्रवाई होना जरूरी है. आप अपना नाम बताइए. मेरा नाम, और जो घटना घटी ये टीचर जो है जिसको आपने मतलब नियुक्त किया, ये क्या परमानेंट थी या टेम्प्रेरी है? मेरा नाम लक्ष्मण बड़ीराम पुस्तोड़े है. वो जो शिक्षिका यहाँ काम कर रही है वो स्थानिक लेवल पे ले ली है, वो परमानेंट शिक्षिका नहीं है. बीओ के माध्यम से या पंचायत समिति के माध्यम से वो स्थानिक लेवल के ले ली है. तो उस ये जो घटना घटी इसका आप समर्थन करते हो कि विरोध करते हो? नहीं, इसका समर्थन तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि ये बात ही ऐसी है कि मानुष की के लिए काड़ीमा फंसनारी चीज़ है. कार्रवाई होना चाहिए उसके ऊपर, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए. आप अपना नाम बताइए और आपके स्कूल में जो घटना घटी है इसके बारे में क्या कहना है? मेरा नाम गोपाल राजाराम परशुरामकर, उप सरपंच ग्राम पंचायत पिंपड़गांव कोहड़ी. कल मेरे को शाम को 7 बजे विनोद निनावे LIC एजेंट, इन्होंने जो स्कूल में 11:30 बजे घटना हुई उसके बारे में सविस्तर बताया. वो घटना ऐसी है कि मेरे गांव का एक पंचायत समिति सदस्य टीकाराम मड़ावी,
वो स्कूल में आकर यादव नाना जी परशुराम कर उनका लड़का उनको ऑफिस में बुलाकर धमकाकर सीवे गाड़ी देकर दो चार थप्पड़ उसको लगाए। और वो सब घटना होने के बाद कल मैं और ग्राम पंचायत सदस्य पुलिस पाटिल तंटामुक्त अध्यक्ष सब हम लाखांदूर पुलिस स्टेशन जाकर उनके ऊपर FIR दर्ज किए। और आज 10 बजे साढ़े में सब पालुंग के पालक करीब करीब 150-200 लोग स्कूल में आकर उन सब पालकों की एक ही मांगनी थी कि जो कल घटना हुई उनके ऊपर शासकीय तरफ से FIR हो, अगर FIR नहीं होती है तो हमारे जो भी पाल्य है उनकी TC हमको दे दो। और ये सब पालक लोगों का मानना यहाँ की मुख्याध्यापिका मिश्रा मैडम ने माना और साड़ी के तरफ से पुलिस स्टेशन जाकर FIR दर्ज किया। हमारी मांग यह है कि जो घटना हुई वो एक पदाधिकारी होकर ऐसा कृत्य नहीं होना था करके उसके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, इतनी हमारी अपेक्षा है। पंचायत समिति लाखांदूर के तहत आने वाली पिपलगांव कोहली के केंद्रीय जिला परिषद स्कूल में ऐसे घटना घटी कि पंचायत समिति सदस्य ने स्कूल में आकर बच्चों की पिटाई की। ये घटना यहाँ पर घटी है। वजह यह है कि बच्चों ने केवल उनको जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है वो सब्जेक्ट बराबर नहीं पढ़ाने की वजह से केवल उन्होंने अपने सीनियर टीचर के पास में शिकायत की। यहाँ एक पंचायत समिति की तरफ से सयाम नाम के एक लेडी टीचर की नियुक्ति की गई है टेम्प्रेरी बेस पर, लेकिन वो लेडी टीचर के माध्यम से हिंदी विषय बराबर नहीं पढ़ाया जाता है, समझ में नहीं आता है। केवल ये शिकायत बच्चों ने की, शिकायत बच्चों ने की क्योंकि उनको पढ़ाई उनको समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं सयाम नाम की जो लेडी टीचर है उनके मस्तिष्क में ये बात नहीं मतलब बैठने से वो ये बात घर तक पहुँचाई और घर में पंचायत समिति के जो सदस्य टीकाराम मडावी इनको उन्होंने ये बात बताने के बाद में दूसरे दिन टीकाराम मडावी पंचायत समिति के सदस्य जो जिम्मेदार सदस्य है वो स्कूल में आके बच्चों को प्रधानाध्यापक के रूम में बुलाकर प्रधानाध्यापक मेसराम के सामने उनकी जोरदार पिटाई की और अश्लीलता से गाली गलौज की। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि एक जिम्मेदार पंचायत समिति सदस्य होने के बावजूद जो कि अपने स्कूल की डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए, बच्चों के विकास के बारे में सोचना चाहिए, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, ऐसा न सोचते हुए केवल उनके परिवार के एक सदस्य को पढ़ाना नहीं आता ये आरोप होने के बाद में गुस्से में आकर स्कूली बच्चों को गाली गलौज करना और पिटाई करना बेरहमी से मारना ये कहाँ तक उचित है, ये सबसे बड़ा सवाल आता है। शिकायतकर्ता बच्चों के माता पिताओं ने लाखांदूर पुलिस स्टेशन में इनकी शिकायत की है। पता चला है कि लाखांदूर पुलिस स्टेशन में टीकाराम मडावी के खिलाफ FIR दर्ज हो चुका है। अब ग्रामस्थों की मांग है कि टीकाराम मडावी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और जो पंचायत समिति का सदस्य पद है ये भी उनका पद से निष्कासित होना चाहिए, ये सबसे बड़ी मांग ग्रामस्थों की है। मैं निषाद लांजेवार, MNS न्यूज भंडारा। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS इंडिया ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।